इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने Realme 10 मोबाइल में आप किस तरीके से जो है यहाँ पर ऐप्स को हाइड कर सकते हो। दोस्तों, आपको ऐप्स को हाइड करने के लिए किसी भी ऐप्स की डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके सेटिंग में ही एक सेटिंग दी गई है जहाँ से आप किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसको ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आ जाना है आपको प्राइवेसी में। तो देख पा रहे हो यहाँ पर प्राइवेसी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप प्राइवेसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा हाइड ऐप्स का, तो आपको हाइड ऐप्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने ऐप लॉक वाला पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका है, या फिर बना लीजिए। तो बनाने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी ऐप्स को आप हाइड करना चाहते हो उनको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। इनेबल करते ही आपके पास सेटिंग्स का एक ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको हैज लगाना है, फिर से आपको 4 अंकों का कोई भी पासवर्ड बना लेना है, उसके बाद फिर से हैज लगा देना है। ये आपका एक्सेस कोड हो जाएगा, यानी कि जब भी आप ऐप्स को हाइड कर दोगे तो उसके बाद देखने के काम आएगा। तो यहाँ पर आपको राइट के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद अब आप जितने भी ऐप्स को यहाँ से हाइड कर दोगे वो ऐप्स आपके हाइड हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने फेसबुक को हाइड कर दिया। तो अब आप देखोगे तो आपके मोबाइल में जो फेसबुक होता है वो भी हाइड हो चुका है। तो अगर आपको देखना है हाइड हुआ ऐप्स तो कैसे देखना है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डायलर में। डायलर में जाने के बाद आपको वही वाला कोड जो है पेस्ट करना है यहाँ पर, हैज 00 और हैज। ये आपका कोई भी कोड हो सकता है, मैंने ये बनाया इसलिए पेस्ट किया। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो कि हाइड हुए ऐप्स आपके सामने आ चुके हैं।